विद्युत उपमंडल लम्बलू में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इसमा, भीड़ा, इक्कर, तालमहल और बोहनी में बिजली के बिलों का संग्रहण नहीं किया जाएगा। जिला में गदीप्स रैपिड एंटीजन टेस्ट में 139 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के निर्देशों के अनुसार जिला हमीरपुर के भूतपूर्व सैनिक भी कोरोना काल में स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ज्वालामुखी नगर परिषद शहर व आसपास में शव वाहन को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में आज तक एक भी शव वाहन मौजूद नहीं है। कोविड संक्रमण के चलते सरकार के द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। बंगाल चुनावों में हुई भाजपा की हार के बाद हुई हिंसा के विरोध में भाजपा मंडल सोलन ने भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप की अगुवाई में उपायुक्त सोलन केसी चमन के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल में अगर बाहर से घर पहुंचे किसी व्यक्ति की किन्हीं कारणवश दुखद मृत्यु हो जाती है तो सभी लोग उस परिवार से दूरी बना लेते हैं। आज की इस विकट स्थिति में योग करने से चमत्कारिक लाभ दिए जा सकते हैं, क्योंकि योग में ऐसे आसन हैं जिनसे शरीर के आंतरिक व बाह्य अंगों को भी ठीक किया जा सकता है।